बिहार की राजधानी पटना में नीतीश कुमार ने रविवार शाम 5 बजे 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बता दें कि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। शपथ ग्रहण के बाद सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा। वहीं दरअसल नीतीश कुमार ने आज सुबह 11 बजे ही इस्तीफा दिया था और इस्तीफे के साथ नई सरकार बनाने का दावा भी पेश किया था। इसके बाद ही दोपहर में भाजपा ने नई सरकार को समर्थन देने का औपचारिक ऐलान किया और शाम 5 बजे हुए समारोह में नीतीश के साथ कुल 8 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें भाजपा की तरफ से 2 डिप्टी CM समेत 3 मंत्री बनाए गए। वहीं JDU के खाते में मुख्यमंत्री और 3 मंत्री आए हैं और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के 1 MLA और निर्दलीय विधायक को भी मंत्री पद मिला है। ज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। सम्राट चौधरी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।